दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है। कहते तू जो सारी देवों को आग दो दिल की मैं दम भी मैं तेरी मन्नत तू तुझको है तुझसे मांगा मेरी मन्नत तू तुझको है मौला माना मेरी मादनों को चुन के बुन के कालीन बनाया है तेरे लिए तारों को तोड़ करके तश्तरी में सजाया है तेरे लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ईद मेकअप लुक। आई एम सॉरी मैं लेट हो गई हूँ, बट ये वाला मेकअप लुक बहुत ही अमेजिंग है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। आई मेकअप कितना ब्यूटीफुल हुआ आप देख सकते हो। बिगनर्स फ्रेंडली है, अगर आप बिगनर्स हो मेकअप में नहीं पता कैसे करते हैं तो ये वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए एंड तक। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी है तो आप उन्हें भी चेक करना, बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको ये वाला मेकअप लुक पसंद आ रहा है, यू नो ग्लोई बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लॉलेस बेस कैसे करते हैं एवरीथिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोस लेके आती हूँ आप सभी के लिए। पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से अब। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं मेकअप। फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद, क्लीन करने के बाद मैंने अप्लाई किया है टोनर। ये अल्प्स गुडनेस का क्यूकम्बर टोनर है, तो इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। पीएच लेवल मेंटेन होगा और मतलब पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे और थोड़ा सा मसाज करना, रिलैक्स फील करके आपको इस टाइप से मसाज करना है क्योंकि मेकअप कर रहे हैं इसलिए थोड़ा रिलैक्सिंग होना ज़रूरी है। एंड देन सीरम अप्लाई करने वाली हूँ, तो विटामिन सी का सीरम है, आप कोई सा भी सीरम ले सकते हो। इन सीरम्स के रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो अगर आपको परचेज करना है इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो वीडियो देख सकते हो आप वो वाली रिव्यू की। तो अच्छे से मैं फेस को मसाज कर लूँगी इसी सीरम की हेल्प से। सीरम अप्लाई करने से क्या होगा, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, नेचुरली ग्लो करेगी स्किन एंड मॉइस्चराइज कर लूँगी जॉय की मॉइस्चराइजर से। 10 रुपीज़ वाला मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था, बहुत अमेजिंग है, मेरी स्किन को सूट कर गया है ये। एंड अच्छे से मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू नो फाउंडेशन अप्लाई करो तो ड्राई पैचेस ना बने, इसलिए स्किन को अच्छे से प्रेप कर लो, हाइड्रेट कर लो कि बाद में कोई दिक्कत ना हो फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई करते वक्त। और साथ ही मैं आपने नोटिस किया होगा तो मैं मसाज भी करते जा रही हूँ, 2-2 मिनट तक की मसाज कर रही हूँ। एंड देन लिप बाम अप्लाई करूँगी एट द एंड में। लिप्स बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल दिखने चाहिए, मॉइस्चराइज्ड दिखने चाहिए, पैचीनेस नहीं दिखनी चाहिए लिपस्टिक, इसलिए मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया है। एंड देन मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास सनस्क्रीन हो तो आप अप्लाई करना, अदरवाइज ओके। ये है अल्प्स गुडनेस की पपाया सनस्क्रीन है, SPF 50 है, बहुत अफोर्डेबल मिल जाएगी आपको purple.com से। इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और सनस्क्रीन अप्लाई करते से ही यू नो पूरे फेस पर ग्लो आ जाता है एज यू कैन सी। एंड देन बारी आती है प्राइमर की। गाइज ये वाला स्टेप तो मैं स्किप कर ही नहीं सकती क्योंकि प्राइमर नहीं अप्लाई करूँगी तो बेस अच्छा नहीं दिखेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगेगा और मेकअप है वो स्किन के बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा जिससे आपको एक्ने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए प्राइमर को स्किप बिल्कुल भी मत करना। एंड देन सबसे पहले आईज़ को मैं करती हूँ कवर, मतलब आईज़ मेकअप पहले करती हूँ इसलिए आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आईब्रोज़ को मैं पाउडर की हेल्प से फिल कर रही हूँ, आई शेडो पाउडर है, मतलब कोई सा भी आप ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो ले सकते हो और एंगल्ड ब्रश से आईब्रोज़ को फिल करूँगी मैं। पाउडर की हेल्प से ना आईब्रोज़ बहुत जल्दी और क्लीन और प्रॉपरली फील होती है, धीरे धीरे करना है। एंड देन फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीन ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लीन नहीं रखोगे आईब्रोज़ को तो वो मतलब पाउडर यूज़ करते हो ना तो गाइस तो आप फैल सकता है पाउडर, इसलिए आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और सेम मैं आईलिट पर लगा लूँगी कंसीलर, आईलिट को भी प्रैप कर लूँगी। प्रोडक्ट जितने भी यूज़ कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप वही वाले प्रोडक्ट यूज़ करो गाइस, इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यूज़ करना क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक कंसीलर, फाउंडेशन और लूज पाउडर्स, हाइलाइटर्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अफोर्डेबल में इतना अच्छा क्वालिटी का मैंने परचेस किया था तो यू नो सोने पे सुहागा टाइप हो गया। एंड अच्छे से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर लिया एंड देन लिड एरिया को अच्छे से सेट कर लूँगी क्योंकि मैं आईज मेकअप पहले करने वाली हूँ तो पाउडर वगैरह फैले ना, अच्छे से ब्लेंड हो जाए।
एंड देन दी ये वाला ग्रीन कलर लेकर अपनी सिर्फ आईलिड पर अप्लाई किया है मैंने, सिर्फ आईलिड पर। जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो अगेन फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई हो जाएगा आई शेडो, इसलिए लिड एरिया पर आपको यू नो फ्लफ़ी ब्रश यूज़ नहीं करना है। उसके एजेस को ब्लेंड करने के लिए फ्लफ़ी ब्रश का काम यूज़ होता है मतलब, एंड देन फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से इस स्टेप से ब्लेंडिंग होती है, बस ब्लेंडिंग 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 बहुत अच्छे से करनी है। इनर्स कॉर्नर्स को मैं सेम ग्रीन कलर लूँगी, थोड़ा सा डार्क, और अच्छे से यू नो हाईलाइट करूँगी इनर कॉर्नर्स। बहुत ज़्यादा डार्क होने चाहिए जिससे आई लुक बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और गाइस मुझे कमेंट आया था कि दी ग्रीन मेकअप करिए, मतलब ग्रीन आई मेकअप करिए ईद के लिए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये वाला लुक मैं लेके आई हूँ। अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं, अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड देन ब्लेंड करूँगी, अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे अपना डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। एंड थोड़े से ग्लिटर्स अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ यू नो कट क्रीज नहीं बनाया है मैंने, नॉर्मली आप फिंगर की हेल्प से भी डैब डैब कर सकते हो, यू नो रफली आपको ग्लिटर्स अप्लाई कर लेने हैं। ये बिगनर्स फ्रेंडली है, मैंने कुछ यू नो कट क्रीज वगैरह ड्रॉ नहीं किया है, तो बिगनर्स ईजीली समझ पाएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ और उनको मेकअप कैसे करना है। फ्लफी ब्रश की हेल्प से एजेस को ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड करना है। बारी आती है बेस की, तो सबसे पहले फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन मेबलिन फिट मी का है इन द शेड 128, इसका भी रिव्यू आने वाला है मेरे चैनल पे। तो अब कबूकी ब्रश ले लूँगी फाउंडेशन ब्रश, और उसके हेल्प से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, डैब डैब करके ब्लेंड करना है, स्वाइप अप नहीं करना है। स्वाइप अप करने से आपका पूरा प्रोडक्ट निकल जाएगा, डैब डैब करना है, या तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ईयर्स को नहीं भूलना है, नेक एरिया को नहीं भूलना है आपको, नहीं तो सब अलग अलग दिखेगा। कंसीलर अप्लाई कर लूँगी, स्विस ब्यूटी का वन ऑफ द फेवरेट कंसीलर है मेरा, ये बहुत अच्छी कवरेज देता है। बिगनर्स हो तो आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए। मेरा शेड है 02 सैंड सेबल, और जहाँ पर हाइलाइटेड एरिया पर मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, एंड चीक्स के यहाँ पर, नोज पर, अंडर आई पर, फॉरहेड पर, एंड थोड़ा सा यू नो टाइम लेना है ब्लेंड करने में, बट उससे पहले आपको वेट करना है 2 to 3 minutes तक, उसको ऐसे ही रहने देना है, एंड देन उसके बाद आपको ब्लेंड करना है। उससे कवरेज बहुत अच्छी मिलेगी, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। यू नो ब्यूटी ब्लेंडर को आपको स्क्वीज़ करना है, पानी में निचोड़ना है, पानी में डुबो के निचोड़ कर देन उससे ब्लेंडिंग करनी है। ब्रश भी ले सकते हो, ब्रश से मतलब फुल कवरेज देगा ब्रश, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है ना, प्रोडक्ट सोक कर लेता है। एंड यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, नेचुरल कॉन्टोर रखूँगी अपने फेस को बिल्कुल ही, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में मैंने पाउडर लिया एंड कॉन्टोर कर लिया। फॉरहेड पर भी करूँगी क्योंकि पूरा फेस यू नो वाइट नहीं दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। नोज़ को भी मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से कॉन्टोर कर लूँगी। धीरे धीरे कॉन्टोरिंग करोगे ना गाइस तो आपको आता जाएगा कि कैसे करनी है। यहाँ लूज़ पाउडर ले लिया है मैंने, आप कोई सा भी लूज़ पाउडर ले सकते हो, एंड थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से ही मैं रफली बेकिंग कर दूँगी। ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, जहाँ पर भी कंसीलर अप्लाई किया जाता है वहाँ पर आपको बेकिंग करना है, बेकिंग को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है। 2-3 minutes रखा एंड ओके, उसके बाद अच्छे से डस्ट ऑफ कर लेना है, अच्छे से डस्ट ऑफ करना है, उससे आपके अंडर आई ब्राइटन अप दिखेगी, बेस फ्लॉलेस दिखेगा, स्वेटिंग नहीं होगी आपको, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ये सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको एक बेकिंग करने से। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अवॉइड कर सकते हो बेकिंग। लोअर लैश लाइन को सेम कवर कर लूँगी, काजल अप्लाई करके ग्रीन कलर से ब्लेंड कर लेंगे। छोटा वाला फ्लफी ब्रश लेना है, छोटू वाला। और ब्लश अप्लाई कर रही हूँ तो इस पैलेट में पिंक शिमर टाइप ब्लश है, तो वही मैं अप्लाई करूँगी, मैट नहीं अप्लाई करूँगी। हर बार मैं मैट अप्लाई करती हूँ, बट यहाँ पे शाइनी अप्लाई किया है मैंने, थोड़ा ग्लोई ब्लश। लिप को अच्छे से लाइन करूँगी गाइस, लिप को लाइन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लिपस्टिक है ना परफेक्ट ब्यूटीफुल दिखेगी। अभी आप नोटिस करना मैं लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और इतनी बेहतरीन फिनिशिंग से लिपस्टिक लगेगी ना, तो इसलिए लिप को लाइन करना ज़रूरी है। आप कोई सा भी लिप लाइनर ले सकते हो, एक बार ट्राई ज़रूर करना। एंड लिक्विड लिपस्टिक भी इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, फैलेगी नहीं। अगर आपसे लिक्विड लिपस्टिक नहीं लगती है प्रॉपरली तो आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करना। न्यूड कलर की लिपस्टिक ली है मैंने, यू नो ग्रीन कलर पे न्यूड ही ज़्यादा बेस्ट लगता है, रेड नहीं इतना जमा मुझे, इसलिए मैंने न्यूड लिया है। सारे स्किन टोन पर सूट करेगा न्यूड, और ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है, यू नो ग्रीन के साथ न्यूड। एंड स्विस ब्यूटी का नहीं, मैंने SFR का
हाइलाइटर अप्लाई करा है चीक्स बोन पर, नोज पर, चिन पर, क्यूपिड्स बो पर एंड फॉरहेड पर, जहाँ पर मैं अप्लाई करती हूँ। यू नो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है फेस को, बिना हाईलाइट, जब आप हाईलाइट नहीं करते हो ना तो आपका फेस बिल्कुल मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे आप हाईलाइट कर लोगे ना आपके फेस में चार चांद लग जाएंगे। इनर कॉर्नर को भी मत भूलना हाईलाइट करना, थोड़ा थोड़ा करना, बिल्कुल ही ज़रा सा, पर एकदम से आपकी आईज़ है ना ब्राइटन अप दिखेगी, आप देख सकते हो। लिक्विड वाला हाइलाइटर लिया है मैंने क्योंकि प्रिसाइजली लग जाएगा, इनर कॉर्नर्स में फैलेगा नहीं। एंड ब्राउ बोन्स को भी सेम लिक्विड हाइलाइटर से मैं हाईलाइट करूँगी। और ये ब्रश जो मैंने लिया है वो छोटू सा लाइनर ब्रश है, इससे प्रिसाइजली लग जाएगा। इन ब्रशेज़ के रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप जाकर चेक कर सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियोज़, प्रॉपर तरीके से लग चुका है। एंड देन वही स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर मैं आपको शो कर रही हूँ गाइस, कितना अच्छा पिगमेंट है उसका, वाओ अमेजिंग। अफोर्डेबल में इतना अच्छा क्वालिटी आपको मिल रहा है स्विस ब्यूटी से, आपको ये वाला हाइलाइटर ज़रूर परचेज करना चाहिए। एंड अपनी ब्राउज को थोड़ा सा टचअप देती रहती हूँ मैं बीच बीच में, क्योंकि आई शेडो ब्लेंडिंग में पाउडर थोड़ा सा हट जाता है, इसलिए आईब्रोज को एट द एंड में देखना बहुत ज़रूरी है। एंड मस्कारा अप्लाई करूँगी, लाइनर अप्लाई करूँगी, नॉर्मल ही लाइनर रखा है मैंने, कोई विंग वगैरह क्रिएट नहीं कराई क्योंकि आईज़ का मेकअप थोड़ा हैवी है, इसलिए विंग अप्लाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सिंपल लाइन क्रिएट कर मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। लोअर लैश लाइन को भी, अपर लैशेज दोनों पर मस्कारा लगाना है। एट द एंड में आप सेटिंग स्प्रे से अपने फेस को अच्छे से सेट कर लेना, एंड देन यहाँ पर मेकअप होता है फिनिश। तेरी मन्नत जो तुझको है तुझसे मांग रेली रंग रेली जाना रंग रेली रंग रेली इश्क को रंग में रंग दे अपने रंग 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 रेली तेरी मन्नत जो तुझको है तुझसे मांगा मेरी मन्नत जो तुझको है मौला माना मेरी मन्नत जो तुझको है तुझसे मांगा मेरी मन्नत जो तुझको है मौला माना मेरी दिल दस्तर खान बिछाया दावते इश्क है। That's it for today's video guys, I hope आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पर भी मैं डेली एक्टिव रहती हूँ। आई होप आपको ये वाला मेकअप लुक समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने ईद मेकअप लुक क्रिएट किया है विद द पासे के साथ में क्रिएट किया है। और अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड कोई सा भी क्वेश्चन हो, डाउट हो मेकअप से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और कौन से मेकअप ट्यूटोरियल गाइज मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली वो वाले लुक्स क्रिएट करूँगी। आई होप आपको पसंद आते होंगे मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स। मेकअप कलेक्शंस भी आने वाला है, मतलब उसकी वीडियो भी आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक करना इस वीडियो को, भर भर के प्यार देना, मुझे सपोर्ट करना। ओके गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइज़।